आज हम एक ऐसे राम भगत से आपको मिलवाएंगे जो सिख सज्जन है। रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ऐसा कोई नियम है कि सिख होकर अयोध्या नहीं जा सकता? मेरा 2 फरवरी को बर्थडे है, उसके बाद ही शहर निकलूंगा। हो सकता है फरवरी 2 बर्थडे ही मैं वहां मनाने चला जाऊं। हमारे यहाँ रामलीला बड़े जोर शोर से मनाई जाती थी, तो मैं वहाँ रामलीला कमेटी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तरह तरह के मैंने रोल अदा किए हैं, जब तक ये दाढ़ी मूछ नहीं आई थी तो लेडीज रोल भी किए हैं। तो जब जेंट्स में आया तो फिर मरीच का, रावण का, जोगी रावण जैसे रोल किए हैं। वहां पे जितना अटैच था वो मैं अपने से अलग कर नहीं पाता हूँ, ना मैं समझता हूँ कि अलग हो सकता है। काफी लोग हैं मेरे साथ जो जाने वाले हैं, हम पूरी एक बस लेके जाने के मूड में हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी और तरह तरह से लोग इसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं। राम भगत अयोध्या भी जाएंगे। आज हम एक ऐसे राम भगत से आपको मिलवाएंगे जो सिख सज्जन है। जी हाँ, आखिर क्या रीजन है? हालांकि इसको लेकर काफी चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन उनका कहना है कि सब एक हैं, आस्था जो है वो एक धर्म से जुड़ी जरूर हो सकती है। हम बात कर रहे हैं मोहाली के त्रिपत सिंह जी की, और इनकी क्यों चर्चा में त्रिपत सिंह जी आए मैं आपको बता देता हूं। विराट कोहली इनको फॉलो करते हैं क्योंकि ये फिटनेस फ्रीक भी हैं, काफी शोज में जा चुके हैं, लेकिन अब ये अयोध्या भी जाएंगे। त्रिपत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। देखिए, जब आप चर्चा में आए, आप अपने फिटनेस को लेके, आपकी उम्र 80 साल होने वाली है फरवरी में और आप फिटनेस फ्रीक हैं, विराट कोहली आपको फॉलो करते हैं, लेकिन अब आप अयोध्या जा रहे हैं, सिख हैं, आप अयोध्या क्यों जा रहे हैं? क्या ऐसा कोई नियम है कि सिख होकर अयोध्या नहीं जा सकता? क्योंकि भगवान राम तो सबके सांझे हैं। भगवान राम का जिक्र हमारे गुरु ग्रंथ साहब में इतनी बार आया है, more than 3000 times। सिर्फ राम ही नहीं, गोविंद, ठाकुर, हरि इतनी बार हैं कि मतलब उनको उससे अलग किया ही नहीं जा सकता। तो उस राम का जो उसका सरसिमरन करते रहे तो मैं क्यों ना करूं। अच्छा, तो जब आपको पता चला कि अब प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, राम मंदिर बनने जा रहा है, कब जाने का आपका प्लान है? देखिए, अभी 22 को वैसे खुलना है, लेकिन 22 से शायद 5-7 दिन वो रिस्ट्रिक्शंस है, पब्लिक को ज्यादा नहीं अलाउ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल फरवरी में, मेरा 2 फरवरी को बर्थडे है, उसके बाद ही शायद निकलूंगा। अच्छा। हो सकता है फरवरी 2 बर्थडे ही मैं वहां मनाने चला जाऊं, अभी ये फाइनल नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं फरवरी में जरूर जाऊंगा। आप, मैंने देखा कि अगर मैं आपको, क्योंकि काफी टाइम से हम जानता हूं, आपकी सोशल मीडिया में देख रहा था, आप काफी बार लिखते भी हैं, जब भी कुछ इस तरह की चर्चा होती है धर्म को लेकर, तो आप हमेशा कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में, वाणी में जिक्र है राम का, और आप, आपका क्या शुरू से झुकाव रहा है, क्या आप, इसके पीछे रीजन क्या है? देख, मैं पहले, मेरा जो बचपन गुजरा है वो जलंधर कैंट में गुजरा है। जलंधर कैंट में हमारे यहाँ रामलीला बड़े जोर शोर से मनाई जाती थी, और मैं वहाँ रामलीला कमेटी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और तरह तरह के मैंने रोल अदा किए हैं, जब तक ये दाढ़ी मूछ नहीं आई थी तो लेडीज रोल भी किए हैं। सीता भगवान यानी हाँ, सारे ही, मैंने कोई लेडीज, चाहे अहल्या का हो, चाहे सीता माता का हो, मतलब बहुत से रोल किए हैं। और जब जेंट्स में आया तो फिर मरीच का, रावण का, जोगी रावण जैसे रोल किए हैं। तो ये सितरा अभी तक मैं वहाँ पे जितना अटैच था वो मैं अपने से अलग कर नहीं पाता हूँ, ना मैं समझता हूँ कि अलग हो सकता है मेरे से। जब आपके, कई बार मैंने देखा जब आप कहीं लिखते थे फेसबुक पे, तो काफी कुछ जो आलोचक अपने अपनी तरह से राय भी देते थे। देखिए, वो उनका हक है, वो किस अंदाज से लेते हैं। असल में यहाँ पर पंजाब में ये कुछ ऐसी, या तो मुझे समझ नहीं आया, या तो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, या उनके और से कोई एडिड है, या कुछ ऐसी बात है कि यहाँ पर हिंदू सिख का
जो कभी फर्क कभी महसूस ही नहीं किया गया था। मैंने तो बचपन में ऐसा देखा है, हम दरबार साहब जाते थे वहां पर सिखों से ज्यादा हिंदू वहां दिखाई देते थे, पर अब वो क्या हो गया, इसमें दूरिया क्यों आ गई हैं? आरएसएस को लेकर इतनी ज्यादा बदनामी की जा रही है, आरएसएस को जबरदस्ती मतलब एंटी सिख या एंटी मुस्लिम तो पहले कहते थे, एंटी सिख भी कहना शुरू कर दिया है, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आरएसएस प्योर मैं जो समझता हूँ वो पूरी तरह से एक नेशनलिस्ट पार्टी नहीं कहूंगा, एक संस्था है जो सिर्फ अपने नेशन के लिए अपने देश के लिए सोचती है। तो अपने देश के लिए तो सभी को सोचना चाहिए, इसमें क्या बोला। तो जहां तक राम मंदिर को लेकर है, ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है, राम तो सबके हैं और ये तमाम चीजें हैं। सर क्यों ना फायदा उठाए, 550 साल से जिस जगह को तरस गया है हिंदुस्तान, एक एक तिल मतलब। और आप ये देखिए भी उसके लिए भी कह रहे हैं, जब सबसे पहले मुकदमा दर्ज हुआ था सिखों ने, निहंगों ने किया था, तो मतलब तब तक कोई वहाँ उन्होंने हवन भी किया था, तब तक तो कोई ऐसा फर्क नहीं था। ये भी कहा जाता है कि सिख हवन कब से करने लगे, करते ही थे जी। ये तो अब फिजूल की बातें आ गई हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये अब ये नई पीढ़ी है, इनके दिमाग में कैसे डाला जा रहा है, ये क्या क्या चीज प्लांट की जा रही है, अभी मेरे समझ से बाहर है। क्या इतिहास कुछ आप, हाँ जी, कुछ हवन का इतिहास आप बता रहे हैं कि करते थे? नहीं, हवन मेरे यहाँ बता रहे जलंधर में, मेरे फादर वगैरह जो हैं वो मना, यहाँ हमारे वहाँ एक जोला कैंट जगह है, जोला से संत महात्मा आया करते थे हमारे वहाँ, वहाँ कीर्तन भी होता था, वो तब भी हवन हुआ था। वो ऐसी बात मेरे तो देखी नहीं कभी फर्क होने वाली बात। मैं एक जानता हूँ कि जबरदस्ती उससे दूरी पैदा की जा रही है। अगर हम एक तरफ तो बोलते हैं कि सरदार जो है अपने हमें गुरुओं की शिक्षा के अलावा हमें कुछ देखना नहीं है, कुछ नहीं, पर जिनको वो मानते रहे हैं, जब उनको राम को माना है उन्होंने, हरि को माना उन्होंने, ठाकुर को माना उन्होंने, गोविंद को माना, अब उन्हीं से हम उनको हम इनकार करेंगे तो कहाँ हम उनके सच्चे शिष्य रहेंगे, सच्चे शिष्य रहेंगे ही नहीं। इसका मतलब हम उनकी शिक्षा से परे चल रहे हैं, उनकी शिक्षा से दूर चल रहे हैं। जिस शिक्षा से दूर चल रहे हैं तो हम अपने आप को सच्चा सिख क्या भी कर सकते हैं, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सबसे बड़ा माना गया है कि उससे बड़ा कुछ नहीं सिख धर्म। गुरु ग्रंथ साहिब वो जागती जोत गिनते हैं, मतलब 10 गुरुओं के बाद यही हमारा गुरु है, इसके बाद कोई मानवधारी या शरीरधारी किसको गुरु नहीं गिनते हैं, पर उसके अंदर सबका जिक्र है, बार बार जिक्र है। हाँ जी नहीं आप कुछ कह रहे थे कि भगवती के भगवती को पहले सिमरा जाता है। हमारे यहाँ जब अरदास होती है तो सबसे पहले क्या कहा जाता है, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेहि तिहाइ, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर किशन तिहाइ जिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरी ये कर नौने दिहावे ताए, सब ताई हुई सहाय, दसम पातशाह तन तन श्री गोविंद सिंह जी सब ताई हुई सहाय। सबसे पहले क्या बोलो ने, प्रथम भगवती सिमर के, सबसे पहले भगवती को सिमर कर। भगवती के ना बोलते हैं, भगवती माता कौन है, दुर्गा माता का जिक्र किया है, उसके बाद जिक्र किया है गुरु नानक का अपने बाकी 10 गुरु का। तो उससे हम अपने आप को अलादगी में कैसे महसूस कर सकते हैं, मुझे आज तक यही समझ नहीं आया। तो आप चंडी की वार गुरु गोविंद सिंह ने लिखी है, तो चंडी भी तो माता का रूप है, पार्वती के स्वरूप में से एक स्वरूप है, नैना देवी है। तो ये है कि अब आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, आप कह रहे हैं हम तैयारी करेंगे, क्या तैयारियां करेंगे, परिवार जाएगा, किस तरह से आप जा रहे हैं, कोई और आपके साथ संगत जाएगी? देखो मैं अपने परिवार के साथ ले जाना चाहूंगा, अब कौन कौन मेरे साथ जाएगा, क्योंकि सबके अपने अपने विचार भी हो सकते हैं, बाकी यहाँ काफी लोग हैं मेरे साथ जो जाने वाले हैं, हम पूरी एक बस लेके जाने के मूड में हैं। अच्छा, तो जरूर रोड से लगाएंगे, वहाँ देख के आएंगे, पूरा देख के आएंगे, उनको पूरी तरह याद करके आएंगे, और मेरे को मौका मिले तो मैं भजन गा के भी आऊंगा। अच्छा, अगर याद है भजन आपको, बहुत याद है, आप एक सुना दीजिए फिर दर्शकों को, जो भी एक दो लाइनें सुनाना चाहें। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, भ्रांति भ्रांति के हे परमेश्वर, अभी मैं गा नहीं पाऊंगा, आपकी भावनाएं समझ गया, लेकिन चलिए आप जाएं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। आपका शुक्रिया सर जी, बिल्कुल। तो ये थे त्रिपद सिंह जी, देखिए
बात की कि भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, आस्था का जो एक प्रतीक कहे जाए और समाज को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए हिंदू जी। हाँ जी, हम बात कर रहे थे भी ये फायदा उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो ये फायदा क्यों ना उठाएं, जब जो 550 साल से लोगों ने तकलीफ झेली है, अब कोई सामने आ नहीं रहा था। अब कांग्रेस ने भी कहा हमने तो मंदिर का ताला खुलवा दिया था, तो किस वजह से क्यों खुलवाया था ये पूरा इतिहास है, क्योंकि वो सारा उसका बदल दिया था जब कानून बदल दिए थे, तो एक इनको शांत करना जरूरी था हिंदुओं को, तो उन्होंने मंदिर का ताला खुलवा दिया। लेकिन आज तक उसके लिए शायद वो पछताते भी हैं भी क्यों खुलवा दिया, पंगा पड़ गया। पर ये पक्की बात है सारा जिम्मा मोदी ने या भाजपा ने उठाया, इसके लिए कितनी सरकारें कुर्बान कर दी इन्होंने, तो अगर उसका फायदा उठाएंगे तो उनका हक बनता है। उन्होंने हर अपने जब भी वो इलेक्शन के अंदर अपने मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा इसको रखा है, तो जब पॉलिटिकल मुद्दा रखा है तो पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए रखा है, जब उसको उन्होंने बना के दिखाया तो बनाया तो उनका हक बनता है, उसके लिए लोगों को साथ देना चाहिए इसके लिए। आपने भावना व्यक्त की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका त्रिपद जी। तो अयोध्या में जा रहे हैं और कहा कि धर्म जो है वो किसी को धर्म बांटता नहीं, धर्म जोड़ता है, और इसी भावना के साथ तैयारी है इनके अयोध्या जाने की। वीडियो जर्नलिस्ट सनम के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 मोहाली।